आई एम रिया एंड वेलकम टू माय चैनल रियाज स्पिरिचुअल रेमेडीज। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के ग्रोथ में बैच फ्लावर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, बिजनेस फ्लरिशिंग कर रहा है, स्टार्ट किया है न्यू बिजनेस, रिकवर करना है एक फेल्ड बिजनेस को, तो ये वीडियो आपके लिए है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहली चीज है कि आप अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, आपको ये लगता है कि आपका ये बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है और आप इस बिजनेस को चला नहीं पा रहे हैं, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, चाहे वो स्किल्स थी आपके अंदर लेकिन सडनली आप एक डीमोरलाइज हो चुके हैं, आपके अंदर वो मोटिवेशन चला गया बिजनेस को रन करने का, कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है। दो तरह से कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, या तो आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या तो आपको दूसरों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। सो इन दैट केस यू नीड अ गॉड्स एंड लार्ज। गॉड्स एंड लार्ज आर द बैच फ्लावर रेमेडीज जो आपको आपके घर के आसपास के किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएंगी। दे आर वेरी चीप मेडिसिन, 100 to 200 रुपीज में मिल जाती हैं। अमेजोन वगैरह पे काफ़ी एक्सपेंसिव है और इंडिया में बैच फ्लावर रेमेडीज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इंडिया में बैच फ्लावर रेमेडीज आर नॉट वेरी मच पॉपुलर। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ईजी मिलती है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में दे आर वेरी मच पॉपुलर। डॉक्टर बैच ने 1930 में इस मेडिसिन को डिस्कवर किया था एंड दे वर्क ऑन योर मेंटल इमोशंस एंड ऑन योर ओरा नॉट ऑन योर बॉडी। सो इनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, दे आर कम्प्लीटली सेफ। आपने गॉड्स एंड लॉस लिया लॉस बिजनेस कॉन्फिडेंस खत्म करने के लिए। अब बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए क्या करना है? वाइट चेस्टनट, वॉलनट, एस्पेन, मस्टर्ड एंड क्रैब एप्पल लीजिए। बाय दीज मेडिसिंस, टेक अ स्प्रेयर बॉटल, जो स्प्रे वाली बॉटल्स आती हैं लाइक जो कोलिन वगैरह जैसे टाइप की बॉटल आती है जिनसे आप स्प्रे कर सकते हैं, बाय दैट बॉटल। पुट 9 to 10 ड्रॉप्स ऑफ ईच मेडिसिन, वाइट चेस्टनट, वॉलनट, एस्पेन, मस्टर्ड एंड क्रैब एप्पल एंड डेली स्प्रे इन योर ऑफिस, इन योर बिजनेस प्लेस, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, वेदर इट्स रियल एस्टेट बिजनेस, क्लोथिंग बिजनेस, डज नॉट मैटर। और आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं कि आप डेली 2-3 ड्रॉप्स जो है आपकी जो मॉपिंग का जो वाटर होता है मॉप करने के लिए जो आप यूज करते हैं अपने बिजनेस एरिया प्लेस को, उसमें आप ये मेडिसिन डालिए और क्लीन करवाइए इस वेट से। So it will clean all the negativity and the positive will enter into your business on the day on basis. Now, अगर आपने business कर रहे हैं तो definitely आप कुछ में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने नया नया business start किया है, your business is new and it is not growing and you want to grow your new business, like कोई भी नई चीज़ को ग्रो करने में टाइम लगता है। सो इन दैट केस यू टेक ऑन बी मेंटियन, सो दैट अगर कभी आपके बिजनेस में सेल्स कम हो, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और न्यू बिजनेस में, तो आप अपना कॉन्फिडेंस चाह मोटिवेशन ना खत्म करें, इसलिए आप ऑन बी मेंटियन लीजिए। फोर्थ इज डेफिनेटली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी ना किसी को तो पैसे देंगे ही देंगे, बिजनेस में जो है मनी का लेन देन बहुत चलता है और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी को पैसे दे दिए वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है बिजनेस में। इन दैट केस यू नीड अ रॉक वाटर, चेस्टनट बट, एल्म एंड गॉड्स। टेक दीज फोर बैच फ्लावर रेमेडीज, रॉक वाटर, चेस्टनट बट, एल्म एंड गॉड्स, so that you write these on a piece of paper, keep it under your pillow or daily chant 100 times these bash flower names and drink that water daily, either stick in your room where you can see permanently, stick in your office or keep chanting, it's your wish, and if you get the medicines you can take the medicines also. Now the fifth thing is that बहुत बार बहुत से लोगों का बिजनेस जो है फेल हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग इस दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस ग्रो करें। तो एक फेल्ड बिजनेस से अप होने के लिए लाइक बैंकरप्ट सिचुएशन जो हो जाती है उसमें आप एक इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं,
बहुत ज़्यादा सेटबैक सिचुएशन आपके लिए हो जाती है। आपको इवन मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग को हार्ट अटैक तक इस सिचुएशन की वजह से आ जाता है कि बैंक करप्ट हो गए हैं हम या हमारा बिजनेस फेल। बहुत सारी डिजीजेज आपको हो जाती हैं इस वजह से, और फैमिली मेम्बर्स काफ़ी इफेक्टेड होते हैं इन चीज़ों की वजह से। सो इन दैट केस आई विल रिकमेंड यू स्वीट चेस्टनट, ऑलिव एंड रूबी। You take these medicines, sweet chestnut, olive and rubi. It will help you to come out from the failed business. With that, chant my mantra video. आप check कर सकते हैं, जो आपको description box में मिल जाएगा। वो मंत्र है, आप उसको चैंट कीजिए। रवि किरण रुचि किरण परिपूर्ण, रवि किरण रुचि किरण परिपूर्ण। उस मंत्र के साथ आप ये स्वीट चेस्टनट, ऑलिव एंड रूबी लीजिए, तो आपका जो बिजनेस फेल हो चुका है वो वापस फ्लरिश करने लगेगा, वापस ग्रो करने लगेगा। जो मैंने अभी बैच फ्लावर रेमेडीज बताई आपको, आपके बिजनेस के स्पेस को क्लीन करने के लिए उनको यूज कीजिए। सो योर बिजनेस विल स्टार्ट ग्रोइंग बेटर। सो ये था एक वीडियो बैच फ्लावर रेमेडीज के ऊपर, बिजनेस की ग्रोथ के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड ऑल माई टीचिंग क्रेडिट गोज टू माई गुरु जी मिस्टर नारायण एस बाला कुमार। लास्ट 5 ईयर्स से मैं उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग।